हे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन ब्लैक शार्क 3 के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या आपको अलग मिलेगा और उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसका प्राइस और उसकी रिलीज डेट इंडिया में। तो बिना डाटा और टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बियॉन्ड स्क्रीन में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन के बारे में। दोस्तों, इस फोन में आपको मिलता है ग्लास फ्रंट, एल्युमिनियम बैक और साथ ही आपको मिलेगा एल्युमिनियम फ्रेम जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होगा और आपको लुक भी अच्छा देगा, और साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसकी एल्युमिनियम बॉडी की वजह से इसका थोड़ा वेट इंक्रीज कर जाएगा और इसका वेट होगा 253 ग्राम्स। और दोस्तों, इसकी एक खास बात, इसके साइड में आपको दो फिजिकल ट्रिगर्स देखने को मिल जाएंगे जिसके हेल्प से आप गेम काफी अच्छी तरह से खेल पाएंगे। स्पेशली पबजी में ये बटन्स आपको काफी काम आएंगे, आप इन बटन्स को पबजी में फायर करने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी बात इसकी बॉडी के बारे में। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको मिलेगी 7.1 इंच की एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन 16 मिलियन कलर डेप्थ के साथ, मतलब आपको एक काफी बड़ी स्क्रीन इसमें मिल जाएगी। और बड़ी स्क्रीन के साथ साथ आपका इसका रिजोल्यूशन भी इंक्रीज कर जाएगा और इसका रिजोल्यूशन होगा 1440x3120 पिक्सल्स। ऊपर और नीचे आपको छोटे छोटे बेजल्स देखने को मिल जाएंगी जिसकी वजह से इसका बॉडी टू स्क्रीन रेशियो होगा 83.6%। और दोस्तों, इसमें आपको मिलेगी 484 पिक्सल पर इंच की इंटेंसिटी। और इसके डिस्प्ले की खास बात, इसमें आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसकी वजह से आपको गेम खेलते वक्त काफी ज्यादा स्मूथ एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, साथ ही में आपको इसमें मिलेगा एंड्रॉइड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉइड का अब तक का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये फोन गेमिंग फोन है तो इसमें आपको प्रोसेसर भी गेमिंग वाला ही मिलेगा। तो इसमें मिलेगा क्वालकॉम का अब तक का सबसे लेटेस्ट और फास्टेस्ट प्रोसेसर जो कि है स्नैपड्रैगन 865 जो कि 5G सपोर्ट करता है। और दोस्तों, अच्छे और फास्ट प्रोसेसर के साथ साथ आपको इसमें मिलेगा एंड्रिनो 650 वाला GPU जिसकी वजह से आपको इस फोन में ग्राफिक्स भी काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसी कलर्स के बारे में। इस फोन के आपको 3 कलर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि होंगे एंटम ब्लैक, आर्मर ग्रे और एक स्पेशल एडिशन वाला कलर जो कि है पिंक। और स्टोरेज के अकॉर्डिंग इसके 2 वेरिएंट आपको मिलेंगे जो कि होंगे 256GB इंटरनल स्टोरेज प्लस 8GB रैम एंड 512GB इंटरनल स्टोरेज प्लस 12GB रैम। और इनके साथ आपको मिलेगा यूनिवर्सल फास्ट स्टोरेज 3.0 का सपोर्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मेन कैमरे के बारे में। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें आपको मिलेंगे 64MP का वाइड एंगल कैमरा, 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 5MP का टैप सेंसिंग कैमरा। इसका रियर कैमरा 2K वीडियो शूट कर सकता है 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पर। दोस्तों, मेन कैमरे के बाद अब बात आती है इसकी सेल्फी कैमरे की। तो इसमें आपको मिलेगा 20MP का वाइड एंगल कैमरा जो कि शूट कर सकता है 1080p वाली वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड पर। और दोस्तों, जैसा आजकल फ्लैगशिप मोबाइल्स का ट्रेंड है, इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इसकी स्क्रीन के अंदर मिलेगा। तो रही बात इसकी बैटरी की, इसमें आपको मिलेगी 5000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी। और दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट 65W का। और जैसा कि एडवर्टाइज किया गया है, ये फोन 100% चार्ज हो जाता है 38 मिनट्स में। और दोस्तों, चार्जिंग के लिए इसका एक अलग ही पैटर्न है, मतलब चार्जिंग के लिए आपको एक मैग्नेटिक चार्जर मिल जाता है जो खुद ही अटैच हो जाता है फोन के बैक में, आपको पोर्ट से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन में ऐसा क्या क्या अलग है जो बाकी एंड्रॉइड मोबाइल्स में आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात आती है इसके एक फैन की। इसका फैन 10 मिनट में इसका टेम्परेचर -13.9°C कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इतना टेम्परेचर काफी होता है बर्फ जमाने के लिए, मतलब आपको इसमें हीटिंग इशू बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो दूसरी चीज आती है इसका स्पीकर। इसमें आपको 2 स्पीकर देखने को मिलेंगे, एक इसके टॉप में और एक इसके बॉटम में जिसकी वजह से 3D साउंड मिल जाएगी। तीसरी चीज आती है दोस्तों इसका गेम पैड। इसमें आपको अलग अटैचेबल गेम पैड मिलेगा जिसकी वजह से आप इसके साइड में गेम पैड अटैच करके आप गेम खेल पाएंगे, आपको ये PSP जैसा फील देगा। दोस्तों, इसके अटैचेबल कंपोनेंट्स की वजह से इस फोन को कहा जा सकता है फुल्ली गेमिंग स्मार्टफोन। ये फोन बना ही गेमिंग के लिए है। अगर दोस्तों आप एक्साइटेड है इस फोन को लेने के लिए तो मैं आपको इसकी रिलीज डेट बता देता हूँ। ये फोन इंडिया में रिलीज होगा 22 मई 2020 को। और दोस्तों, इसका स्टार्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस है 49,190 रुपीज, मतलब करीब करीब 50,000, जो कि आईफोन 11 प्रो मैक्स से भी हाफ है। दोस्तों, इसमें आपको जैसे अलग अलग कंपोनेंट मिलते हैं, इसका प्रोसेसर आपको काफी फास्ट है, मतलब अब तक का सबसे फास्टेस्ट एंड्रॉइड प्रोसेसर है, इतना प्राइस तो बनता ही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।